नमस्कार मैडम। बस नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं? फिर छोड़ रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टर को देखते हुए थोड़ा एनर्जी कम हो जा रहा है। लोग थोड़ा नेगेटिव मार्केट देख के थोड़ा टेंशन डर जा में जा रहे हैं, जी। डर जा एक्चुअली रहे हैं। सर, जो लोग पहले से मार्केट में बने हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो अपना वेल्थ क्रिएट करने में एक उनको अच्छा मौका मिला है कि अभी जो स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स अभी उनको 25 से 30% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है ना, जब स्टॉक परफॉर्म करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन जब पोर्टफोलियो नेगेटिव जाता है तो ज्यादा पैसा डालने को मन नहीं करता लोगों को, यही प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोगों का मेंटालिटी है ना, वो सोचते हैं कि अभी 16,000 पे है, नहीं, जब 15,000 पे जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, जब 12,000 पे जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन सर आप बताइए, अगर आप 16,000 पे इन्वेस्ट करने में डर रहे, तो क्या आप 12,000 पे इन्वेस्ट करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कि उतना हिम्मत नहीं होता है। इसलिए हर छोटे छोटे इंटरवल में, जब भी मार्केट में एक फॉल आता है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो जो पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो है वो चीज आपका हेल्प हो सके। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं ना, बॉटम में खरीद के टॉप में बेच देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट में। कभी भी मार्केट में किसी के आपको लिए पोस्ट पार्टिसिपेट नहीं है करना है। जी। ऐसा ही है। तो चलिए, अभी निवेश करने का बहुत अच्छा समय है, और कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में निवेश करें इसमें तो कंफ्यूजन है, सारे डिस्काउंट में चल रहे हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं और आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा म्यूचुअल फंड में, तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रिटर्न्स आने वाले 3-4 सालों में हमको मिलेगा। जी सर, तो चलिए, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, ये तो पूरा लिस्ट है, मैंने एक्सेल में लेके आया हूँ। ईएलएसएस है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो मार्केट वोलेटिलिटी में जनरली जब मार्केट नीचे जाता है तो वैल्यू स्टॉक्स खरीदने के लिए लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मिड कैप का सेक्टर बकेट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी रहता है। वोलेटिलिटी रहने पर आपको क्या होता है, सस्ते में खरीदने के लिए मिलता है और महंगा होने पर बेच के निकल जाने का मौका मिलता है। जी, क्योंकि सर उसी स्मॉल कैप तरह में जब हम अभी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक रिस्क बना रहता है, क्योंकि जब छोटी कंपनी रहती है, या तो वो स्मॉल कैप से डायरेक्ट लार्ज कैप बन जाती है, या फिर स्मॉल कैप में इतना ज्यादा उनके पास डेट हो जाता है कि धीरे धीरे वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में जो देखा जाए, तो जो मिड कैप आता है वो एक अच्छा, जैसा कि आप बताए कि उसमें वोलेटिलिटी काफी अच्छा रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। राइट, उसी तरह मार्च की क्लोजिंग के वक्त बहुत सारे लोगों ने ईएलएसएस फंड हड़बड़ी में ले लिए टैक्स सेविंग करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कौन सा ईएलएसएस फंड आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सके। तो कुछ फंड्स जो अच्छे परफॉर्म किए हैं और कुछ फंड जो हैं जो आने वाले समय में अच्छे फंड रिटर्न्स दे सकते हैं, तो ईएलएसएस के ऊपर डिस्कस करेंगे, मिड कैप के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है, वो चेंज करते रहते हैं अपना मार्केट कैप के स्टॉक्स चूजिंग, तो उसमें मल्टी कैप भी होते हैं, कुछ लार्ज कैप भी होते हैं, और ये चेंज कर देते हैं बीच बीच में। तो एक्टिव मैनेज फंड में ये होता है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं इसमें कुछ शॉर्टलिस्ट कर दिया हूँ और सीधा लेके चलता हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। पहले हम बात करेंगे इक्विटी के ईएलएसएस फंड में। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अगर ईएलएसएस फंड जितने भी हैं हमारे, अगर 5 साल के ड्यूरेशन में सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो है क्वांटन टैक्स प्लान, तकरीबन लगभग 3 सालों में 36% का रिटर्न, 5 साल में 22% का सीएजीआर, और लास्ट 2 सालों में 66% का रिटर्न दिया है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर मैडम क्या करते हैं ना, जहां पर ज्यादा रिटर्न आए हैं वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि आने वाले समय में भी उतना मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले कुछ सिनेरियो अलग था, दूसरे म्यूचुअल फंड्स आगे थे। अभी आने वाले 2 सालों में ये नहीं रहेगा, आने वाले 2 सालों में और दूसरे म्यूचुअल फंड जो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। तो चले पहले देखते हैं क्वांटम टैक्स प्लान, ये डायरेक्ट प्लान है ईएलएसएस, इसका कैसा इन्वेस्टमेंट है और किस किस चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया है देखते हैं जी। मैडम।
ये जानना हमें अभी बहुत अगर जरूरी होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें तो उनका जो सब क्राइटेरिया है वो कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप ये चीज को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। राइट, तो अगर यहाँ पे देखें क्वांटम टैक्स प्लान जो है 228 इसका नैव चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, मतलब जितना भी वैल्यू है इसका पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है, तो यही अप एंड डाउन होता है और इसी को आप परचेज करते हो। अगर देखा जाए ये वेरी हाई रिस्क है क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और क्राइसिल रेटिंग भी इसका अच्छा है। सबसे इस फंड में मुझे जो अच्छा लगा वो है एक्सपेंसेस रेशियो, यहाँ पे बहुत कम चार्जेस ले रहे हैं फंड मैनेजर, जहाँ पे एवरेज इस कैटेगरी के 1% से ज्यादा है। तो जी देखा जाए तो आप अगर 5,000 का भी SIP करते हो तो आप 60,000 का इन्वेस्ट करते हो, तो 1% 600 रुपये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म करियर कर रहे हो, 10-15 सालों में आप जब सोच रहे हो 30-40 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब 1% 1.5% आपको खटकेगा। जी सर, करेक्ट सर, ठीक सही है, बात बोला आपने। तो एक्सपेंसेस रेशियो आपके फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो यहाँ का एक्सपेंसेस रेशियो एक अच्छा है। अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे बने, इस साल का सबसे अच्छा LSS फंड कैसे बने, ग्राफ्स बहुत कुछ बताता है, लेकिन ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, हम चलेंगे इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स पे। अगर यहाँ पे देखें तो 5 सालों में 22% और 3 सालों में 35% और 2 सालों में 65% का रिटर्न रिटर्न डाला है। तो आपके पोर्टफोलियोज अगर काम नहीं कर रहे, नेगेटिव दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, तो ये सब अभी भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसमें ऐसे कैटेगरीज में अगर पैसा डालते हैं, मार्केट बहुत गिर गया लेकिन अभी 1 वीक में ये 6% ही डाउन गया है, तो अच्छा है, मार्केट जब रिटर्न करेगा, रिवाइव करेगा, तो ऐसे ही रिटर्न्स यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर इसके होल्डिंग्स के बारे में बात करें, इन्होंने कौन कौन से शेयर्स होल्ड करके रखे हो, तो इनका अगर टॉप 5 अगर इन्वेस्टमेंट देखें क्या क्या है मैडम। वेदांता लिमिटेड में इन्होंने 6.53% का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पे अदानी इंटरप्राइजेज में इन्होंने 5.80 का इन्वेस्टमेंट किया है। मैक्सिमम जो टॉप 5 या टॉप 7 कंपनीज का अगर बात करें ना, तो सब में इनका 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे रुचि सोया इंडस्ट्री जो है उसमें भी उन्होंने 5.75% का इन्वेस्टमेंट है। SBI में हम भी 5.7% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे अदानी पोर्ट, ICICI बैंक या फिर IDC लिमिटेड हो गया, इन सब में 5-5% का इन्वेस्टमेंट इनका किया हुआ है। राइट, तो अभी अगर हम डिस्कस करें तो ये सारे स्टॉक्स हमें भी अच्छे लगते हैं, मार्केट में अभी परफॉर्मिंग है, लेकिन लास्ट बुल रन में ये सब परफॉर्मिंग नहीं थे। तो अगर सेक्टर वाइज अगर ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं तो इनका रिटर्न्स भी अच्छा आया हुआ है, इसलिए ये परफॉर्म किया है ये फंड। आगे वाले आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स फिर से परफॉर्म करेंगे क्या, ये क्वेश्चन है, क्योंकि वेदांता मेटल्स है, मेटल्स में बहुत अच्छा रैली देखने के लिए मिला, जी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी PSU बैंक उतने नहीं बढ़े, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंडम रैली में है, जी और यहाँ पे अगर देखा जाए कोल इंडिया, ITC, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है। उसी तरह हम अगर सेक्टर एलोकेशन अगर देखें तो इनका सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है बैंक्स में, और उसमें क्या क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और कनाडा बैंक। ठीक है, देखा जाए तो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कनाडा बैंक ये दोनों PSU से हैं, जी। अच्छा, और अगर देखो है ना, तो इन्होंने बैंक्स में अपना सबसे ज्यादा 11% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना। जी, और वहीं पे अगर कॉपर और एंड अभी अगर मार्केट गिरावट आप देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही सबसे ज्यादा गिरावट चल रहा है, जी, इसी कारण से करेक्ट, निफ्टी में थोड़ा माइनस चल रहा है। जी उसके बाद अगर सबसे सेकंड हाईएस्ट टेक देखा जाए तो 7% मेटल्स में, और मेटल्स का रैली हमने 2 साल से देखा हुआ है, तो ऐसा नहीं जो रैली दिए हैं वो कंटिन्यू रैली देते रहेंगे, वो गिरते भी हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। ठीक है, थर्ड इन्होंने इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस किया है, तो ये वाला भी एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन इसमें उनके हिसाब से थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट है। तो अभी हमने क्वांटम
टैक्स फंड के बारे में समझा और इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझा, ये क्यों टॉप में आ गए, क्योंकि इनका जो स्टॉक्स होल्डिंग है वो सब परफॉर्मिंग हो गए हैं 2-3 सालों में, इसीलिए इनका अच्छा रिटर्न्स आया है। लेकिन आने वाले समय में इसमें रिटर्न्स बनेंगे क्या, ये क्वेश्चन का आंसर ही इस फंड का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है जी सर। क्योंकि वेदांता का अगर मैं बात करूं तो सर, जब निफ्टी गिरा था कोविड के टाइम में तो वेदांता पर बहुत ज्यादा लो बनाया था, 50-60 रुपए तक चला गया था। जी जी, और वहीं पे अगर अभी बात करें तो वो अभी 400 कुछ दिन पहले वो 400 टच किया था। तो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जिसके कारण से ना काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। रही तो आप लोगों का अगर मेंटालिटी ऐसा है कि आने वाले समय में भी मेटल्स और बैंक्स, पीएसयूज ये सब भागेंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये परफॉर्मेंस हो चुका है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा फंड है, मैं मना नहीं करूंगा। दूसरे जगह इसको कंपेयर करते हैं ELSS IDFC का, ठीक है, ये फंड थोड़ा हमको अच्छा लगा इसलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे IDFC टैक्स ELSS फंड, यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो हल्का सा ज्यादा है, 0.5 है वहां पे और यहाँ पे 0.8 है, लेकिन यहाँ पर 1.5% से ऊपर लेते हैं उसके लगभग एवरेज, कैटेगरी एवरेज से भी कम, और नैप चल रहा है 100 रुपए। नीचे अगर हम चलते हैं इनके होल्डिंग्स के ऊपर, अगर ध्यान दें इनके रिटर्न्स के ऊपर ध्यान दें, तो 2 सालों में इन्होंने बनाया है 48% और 3-5 साल के एवरेज में देखेंगे तो 14-15%, तो उनके मुकाबले इन्होंने कम रिटर्न जनरेट किया। आने वाले समय में ये परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हो सकते हैं क्या, तो इसके स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इनका प्राइवेट बैंक में है, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, SDFC बैंक, टाटा मोटर्स वगैरह। अभी से ये सारे देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है सब में, तो अगर कुछ दिन पहले का हम लोग बात करें तो मे बी इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया होगा, क्योंकि इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि काफी मतलब जब से इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बहुत ज्यादा अराउंड 10-15-20% का शायद इसमें करेक्शन आ चुका है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे ICICI बैंक हो गया या स्टेट बैंक हो गया, इन सब में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। सही है, तो यही हमारा मतलब मोटो थी है कि एक्चुअली ये सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और अगर परफॉर्मिंग किया ये सारे स्टॉक्स तो ये फंड आने वाले समय में आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नीचे की तरफ भी जाए तो सेकंड है इसमें, आप अगर देखेंगे स्टेट में तो दीपक नाइट्रेट जैसे मोनोपोली कंपनी, भारतीय एयरटेल जैसे मोनोपोली कंपनीज को ये रखे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में मेटल्स रखे हैं लेकिन हल्के से स्टेक पे, क्योंकि इन्होंने देख चुके हैं कि कैसा रैली रह चुका है। सेक्टर वाइज अगर देखें सबसे ज्यादा स्टेक मुझे लग रहा है बैंकिंग फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर में ही इनका होगा, तो हाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनका बैंक्स में ही है और हम देख रहे हैं कि बैंक में ही अभी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जी जी, और 20% का इनका टोटल होल्डिंग्स है बैंकिंग सेक्टर में, और वहीं पे अगर IT और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट उसका आधा हो जाता है 11% के करीब का। तो IT अभी बहुत जोरों से गिर रहा है और इन्होंने IT में भी लिया क्या है, बहुत ही मोनोपोली कंपनीज लिया है, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टिंग, जेंसा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मास्टेक, ये सारे अच्छी कंपनीज लिए हुए हैं। तो आने वाले समय में IT के ऊपर तो हमारा भरोसा है, ये ऑलरेडी रैली दे चुके हैं लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग में, तो इन्वेस्टमेंट करने का सही जगह है IT अभी। और बैंकिंग बैंक निफ्टी का तो आप हालत देख रहे हो, उसके नीचे रखे हैं उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो यहाँ पे भी गिरावट देखने के लिए मिलता है। तो फार्मा, IT, बैंक्स, ऐसे सेक्टर्स में इनका ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये फंड हमको लग रहा है कि आने वाले समय में एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे सेफ सेक्टर्स हैं, दूसरे सिनेरियो में देखा जाए तो ये प्रॉफिट बुकिंग के हालत में है। तो अभी से अगर आप SIP करते हो यहाँ पे तो आने वाले 2-3 सालों में ये अगर परफॉर्मेंस रहा अच्छा इस सेक्टर्स में तो ELSS में ये वाला म्यूचुअल फंड में हम बुलिश हैं, राइट मैडम? जी
जी सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब बैंकिंग सेक्टर में है ना, ये चीज मुझे बहुत खटक रहा है कि 20% इन्होंने बस बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया है, वहीं पे आईटी में बोलिए, क्योंकि अभी केमिकल और फर्टिलाइजर जो चल रहा है उसमें इनका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नीचे हाँ, अभी ये भी सही है। स्क्रॉल डाउन कर सके कि फर्मा के बाद और क्या कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें एनबीएफसी है और पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स है, इंजीनियरिंग डिजाइन है। देखिए अभी क्या है ना, हम ऐसे मेरा जो मानना है कि हमें जब इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोचते हैं तो अभी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको हम नहीं देखेंगे। हम हमेशा देखेंगे कि क्या सस्ता मिल रहा है और आने वाले 2-3 सालों में ये महंगा हो जाएगा क्या। जी अभी अगर आप देखोगे, अगर मुझे करेंटली इन्वेस्टमेंट करना है 6 महीने 2 महीने के लिए, तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर ये सब पे फोकस कर सकता हूँ। लेकिन 3-4 सालों के बाद अगर का मैं अगर सोच रहा हूँ, एलएसएस फंड तो 3 साल के लिए लॉक इन है, तो 3-4 सालों के बाद के लिए सोच रहा हूँ, तो जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जो शेयर्स गिरे हुए हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए वेट करना अच्छा है। मुझे पता है कि ये सारे स्टॉक्स आने वाले समय में और 6 महीने गिरेंगे, तो आप जब इसमें एसआईपी करोगे तो आपको नीचे और भाव में खरीदने के लिए मिलेगा, तो ये जब परफॉर्म करेगा तब अच्छा प्रॉफिट बन पाएगा, ये मेरा मानना है। ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, उस सिनेरियो से मैं बता रहा हूँ। जी, सर ठीक ये है, तो हुआ हमारा ईएसएस के नेक्स्ट बारे में। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम मिड कैप फंड में। मिड कैप फंड में भी क्वांटम क्वांटम मिड कैप फंड में ही हमको मतलब ग्रोथ देखने के लिए मिला है। क्वांटम इस फंड में अगर देखें, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस रेशियो बहुत कम है और नैब भी 124 रुपये चल रहा है अच्छा खासा, और रेटिंग्स भी इसे बहुत ही अच्छे हाई है। जी अगर इसका डायरेक्ट हम आ जाते हैं रिटर्न स्ट्रक्चर पे, तो इन्होंने 3 साल में लगभग 32% और 2 साल में लगभग 54% रिटर्न दिया। तो मिड कैप में हमने देखा है कैसा रैली रहा, तो फिफ्टी जी परसेंट तक 2 साल में रिटर्न दिया। मैं जब भी बात कर रहा हूँ 3 साल 5 साल के लिए, क्योंकि एसआईपी हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तो वीकली मंथली ये सब देखिए कुछ फायदा नहीं। ठीक है, इनका अगर होल्डिंग्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर होल्डिंग्स इनका सबसे लगभग ज्यादा किसमें है मैडम? इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल सर शेयर्स तो अच्छे हैं, अभी जो कोरोना के कारण से जो होटल्स वगैरह पूरा बंद पड़ा हुआ था, तो अभी शायद इसमें अच्छी रैली आ सकती है। ये सही बात बताया आपने, इनका जो सबसे ज्यादा स्टेक है इंडियन होटल में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जी ऑलरेडी ये कंपनी बहुत लॉसेस में है। इसका मतलब ये नहीं कि डूबने वाले हैं, आने वाले समय में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो यही सारे स्टॉक्स भागेंगे। जी मेरे मेरे वही पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स भी है, तो मैं मना नहीं कर सकता कि ये खराब कंपनी है। नहीं, ठीक इंडियन है, होटल मुझे भी लग रहा है कि होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल काफी अच्छा काम कर रही है। वहीं पे अगर हम और कुछ मोनोपोली स्टॉक्स की बात करें, जो कि अभी कोरोना की सिचुएशन बहुत डाउन गया था, तो कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, या फिर जो कैटरिंग और टूरिज्म के स्टॉक्स हैं वो भी काफी अच्छा बढ़ सकते हैं। खैर वो तो बात की बात हुई। इसमें अभी क्या क्या है, इंडियन होटल में 7% का इन्वेस्टमेंट है, रुचि सोया इंडस्ट्री में भी 7% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे टाटा कम्युनिकेशन में 6% का इन्वेस्टमेंट है, ओरिकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, ये भी एक आईटी कंपनी है, इसमें भी 5.30% का इन्वेस्टमेंट है। ये चार इनका कंपनी अगर टॉप पांच टॉप टॉप कंपनीज देखा जाए मैडम, बहुत ही अच्छी कंपनीज है, और जी मेरा एक जी फेवरेट इसमें है सन टीवी नेटवर्क मीडिया। में बहुत गिरावट देखने के लिए मिला है 2 सालों में, मैंने बहुत बहुत वैल्यू का सन टीवी खरीद के रखा हुआ है, जी तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे ही हैं इनके, राइट जी और मैडम? जितने भी स्टॉक्स हैं टॉप 5 में, सारे में 5% के करीब का, 5 से 7% करीब का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर नेक्स्ट हम पांचवा या छठे नंबर पे देखें, तो सन टीवी, रिलायंस और नालको तीनों ही अच्छी कंपनी है। नालको आपका एक पीएसयू में आ जाता है, एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनी है उड़ीसा की, ये भी अच्छी कंपनी है, पीएसयू है। तो इनके जो टॉप 10 बोला जाए कि जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है वो मुझे पसंद आ रहे हैं। सही है। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो लिंडे इंडस्ट्री, जी एंटरटेनमेंट और क्राइसिल, एचडीएफसी बैंक, अशोक लेलैंड, अच्छे स्टॉक्स ही इन्होंने पिक करके रखे हुए हैं। लेकिन एक शेयर जो है मुझे खटकता है, वो है रुचि सोया, इसमें मैं बुलिश नहीं हूँ। और कंज्यूमर फूड में
ऑलरेडी बहुत रैली देखने के लिए मिल चुका है, और इसका स्ट्रेंथ इतना भी अच्छा नहीं है जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है मेरे हिसाब से, मैं जितना इसको स्टडी किया हूँ। एनीवेज ये सारे जो भी परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, और कुछ जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, और नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स में जो जिनका मोनोपोली है वैसे स्टॉक्स इन्होंने पोर्टफोलियो में रखा गया, तो लगभग पोर्टफोलियो अच्छा ही लग रहा है इनका। जी इनका पोर्टफोलियो पसंद आ रहा है जी सर। अगर सेक्टर वाइज आप लगा सके, सेक्टर वाइज में कौन से सेक्टर में है इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट? तो इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर फूड कंज्यूमर गुड्स में है, गोदरेज और रुचि में। और इनका एक्चुअली जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेक है जो ब्रॉडकास्ट इन्वेस्टमेंट में है वो मुझे थोड़ा पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी ओटीटी जो प्लेटफॉर्म आया है इसलिए ब्रॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मतलब नेगेटिविटी देखने के लिए मिला है। तो अभी ये जूझ रहे हैं, आने वाले समय में ये सब ओटीटी में आना चाहते हैं। अगर ये तीनों कंपनी ओटीटी में उभर आते हैं तो ये बहुत जोरों से बढ़ने लगे। और फूड में तो हमने कोरोना के टाइम में देखा है, और अभी तो स्थिति युद्ध का चल रहा है, तो अगर बहुत खराब हो गया इकोनॉमी तो हो सकता है यहाँ पर तेजी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप घर बैठे खाना खाओगे और आपको ओटीटी तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, घर बैठे बैठे करेंगे क्या। अगर इसका उल्टा हो गया, इकोनॉमी अच्छा होने लगा, तो प्रॉब्लम आ सकता है ये म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इनका जो लगभग इन्वेस्टमेंट है ये सारे न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट है, ये ऑपोजिट भागते हैं इकोनॉमी से, उल्टा भाग, इकोनॉमी अच्छा लगने लगा, अच्छा होने लगा, तो ये सारे स्टॉक्स में उतने जोरों से तेजी देखने नहीं आ सकता। और इनका एक चीज होटल एंड रिसोर्ट में इन्होंने बस एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो है होटल में, मतलब ये चीज हमको सबसे अच्छा लगा कि होटल में इन्होंने इन्वेस्ट किया है लेकिन एक ही कंपनी है। हाँ, और 7% स्टेक डाला हुआ है और एक ही कंपनी में डाला है। जी ठीक है, चलते हैं। इनके कंपैरेटिवली हमने एक और एक फंड लिया हुआ है, वो कोटेक एमर्जिंग इक्विटी फंड, ठीक है, ये भी एक मिड कैप फंड में से ही आता है। इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं लोगों को इसको इन्वेस्ट करने के लिए सलाह देता हूँ। और से इस सबसे अच्छी बात है ना कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा कम है, 0.47% का, किसी किसी का देखा जाए तो 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो कि एक बाद में जाके बहुत लार्ज अमाउंट होता है जो क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है म्यूचुअल फंड हाउसेस को। एग्जैक्टली मैडम, यहाँ पर अगर देखें रिटर्न की बात तो 3 सालों में 90% का रिटर्न दिया है और 2 सालों में 119% का डबल रिटर्न दिया है। और इंसेप्शन से अभी तक लगभग 400-450, ये बहुत अच्छा फंड है। मैंने इसमें लगभग 2013-14 से लोगों को इन्वेस्टमेंट कराया हुआ है, मतलब जब फंड स्टार्ट हुआ था 13-14 से, तब से मैं करवा के आ रहा हूँ। इसके फंड मैनेजर के ऊपर नहीं जाएंगे लेकिन इनके फंड मैनेजर का भी जो फोकस है उसको भी अलग टाइप का, ठीक है। अभी देखते हैं इनका पोर्टफोलियो क्या क्या स्टॉक्स इन्होंने होल्ड किए हैं और क्यों हम इसको बाय करने के लिए सलाह देते हैं। अगर आप बात करें तो पहला जो स्टॉक है, मैं अभी मैडम के साथ डिस्कस कर रहा था, इनका फोकस है बेरिंग के ऊपर, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है इनका 5% का बेरिंग की कंपनी पे। एक्चुअली देखा जाए तो ऑटो एंसिलरी में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है वाला है, और गाड़ी आपका इलेक्ट्रिक का हो या फिर पेट्रोल का, बेरिंग्स यूज होंगे, ऑटो एंसिलरी तो आगे बढ़ेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की जगह है और ये अपॉर्चुनिटी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ज्यादातर इनका जो इन्वेस्टमेंट है बेरिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक स्टॉक लिया हुआ है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में एक स्टॉक लिया हुआ है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, तो ये सारे स्टॉक जो है देखिए मिड कैप में है, इनको हम नहीं जानते कंपनी को, क्योंकि ये B2B बिजनेस करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। जनरली हम क्या करते हैं, कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज खरीदते हैं कि टाटा मोटर्स खरीदो, ये गाड़ी बेचता है, लेकिन सर टाटा मोटर्स इतना पैसा नहीं कमाती, टाटा मोटर्स को लोहा बेचने वाला कंपनी उतना ज्यादा कमाती। जी सही बात। तो इस कंपनी की एक और बात जो मेरे को अच्छी लग रही है सर, कि इनका जो होल्डिंग्स है ना वो 4-4% तक का ही है, लेकिन वो मल्टीपल शेयर्स में है, बियरिंग्स में ले लीजिए, डाइवर्सिफाइड है। जी डाइवर्सिफाइड है और बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज में ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जियो के लिए रिलायंस बहुत लोगों ने खरीदा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि रिलायंस जो जियो लगा रही है उसका फाइबर केबल उसको कौन सप्लाई कर रहा है। तो वो कंपनी रिलायंस में जितना पैसा कमाया नहीं, उससे ज्यादा उसने कमाया।